हेलो दोस्तों, हम सब आए हुए हैं माँ भटौली देवी दर्शन के लिए बाबू को लेकर। आप सब देख सकते हैं ये माता जी का मंदिर है, माता दुर्गा का भटौली। ये हमारा पड़ता है पलई पट्टी के बगल में। माता जी के दर्शन के लिए हम लोग यहाँ से आए हुए हैं। यहाँ पे माँ आदिशक्ति दुर्गा देवी का ये मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप देख सकते हैं मंदिर की खूबसूरती, कितने प्यारा इसको बनाया गया है। मंदिर में हमेशा दर्शनार्थीगण बहुत ही दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है, हम सब दर्शन कर चुके हैं, अभी बाहर ऐसे ही टहल रहे हैं। आइए आप सबको मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा हम दिखाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये माँ के मंदिर के जस्ट सामने माँ का हवन कुंड है। यहाँ पे माँ का हवन होता है। ये माता का हवन कुंड है और माँ के मंदिर का हम आपको बाहर से व्यू दिखाएंगे। और यहाँ पे अक्सर हमेशा माली लोग लगे रहते हैं हमें फूल माला देने के लिए माता जी के लिए। और ये सामने हमारा डी बाबू का मंदिर है। आइए हम डी बाबू का मंदिर आपको दिखाते हैं पहले, उसके बाद फिर माता जी के गुंबज दिखाएंगे हम। ये सामने हम देख सकते हैं हमारा ये पिता परमेश्वर श्री डी बाबू का मंदिर है माता जी के धाम में। दिखाते हैं दूर से आपको माता जी का गुंबज है। प्राचीन माँ दुर्गा मंदिर भटौली वाराणसी, ये माँ का गुंबज बहुत ही ऊंचा बनाया गया है इसको। अभी माँ का हम नीम का पेड़ दिखाएंगे जिसमें माँ पर स्थापित की गई थी सर्वप्रथम, जहाँ से माँ का पूजन शुरुआत हुआ था। ये सामने माँ का नीम का पेड़ है जिसमें माँ सर्वप्रथम पर स्थापित की गई थी और यहाँ पे सर्वप्रथम पूजा होता था पहले माँ का। इस नीम के पेड़ में अभी कट चुका है और बस ये इसका जो वृक्ष का मेन भाग है और जो हमारा बचा हुआ है पेड़ इसको बोलते हैं, वो इस पे रखा गया है यहाँ पे। ये सामने देख सकते हैं सब, यहाँ पे हम लोग बनता है चढ़ावे के लिए माता के हलवा सुहारी। ये माता शीतला का मंदिर बनाया गया है। अभी हम मंदिर का पिछला हिस्सा आपको दिखाते हैं। ये माँ के मंदिर का पिछला हिस्सा है, यहाँ से आप देख सकते हैं अंदर भोलेनाथ जी प्रस्थापित हैं। और ये माँ के मंदिर का पिछला हिस्सा है, ये गुंबज आप देख सकते हैं यहाँ पे। अंदर से मंदिर बहुत प्यारा है दोस्तों, दूर से ही दिखा पाएंगे क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है हमारा बनाना। और इधर माँ के मंदिर के बगल में बाबा भैरवनाथ और शनिदेव का मंदिर भी बनाया गया है, आप सबको हम दिखा देते हैं। ये हमारे शनिदेव भगवान हैं और ये बाबा भैरवनाथ माँ के असीम सेवक। उधर से आप मंदिर का देख सकते हैं गुंबज, मंदिर के यह दाहिना हिस्सा है। अभी हम मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। और पुनः माँ के दर्शन के साथ अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। दोस्तों यहाँ से तो हम दिखा नहीं सकते पर जूम इन कर रहे हैं आप सबके लिए माता के मंदिर के पास। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का अंत करते हैं और एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, माता आदिशक्ति दुर्गा की जय। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो माँ के मंदिर का पसंद आया होगा और आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपको नए नए अपने ब्लॉग चैनल में घुमाएँगे और नए नए जगहों को दिखाएँगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स।